नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से की मुलाकात। हादसे में मारे गए 121 लोगों में से 17 अलीगढ़ के थे और 19 लोग हाथरस से। राहुल गांधी ने परिजनों से पूछा कि यह घटना कैसे हुई, आपके परिवार के कितने लोग मारे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह हमारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और सरकार से बात करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में है। 100 करोड़ के संपत्ति के मालिक स्वामी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा पश्चिम यूपी में बाबा के 24 आश्रम हैं और 5-स्टार होटल से जो कम नहीं दिखते हैं। बाबा के आश्रम काफिले में 2 दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियां हैं। तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में 6 एमएलसी कांग्रेस में हुए शामिल। 40 सदस्यीय विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी की संख्या बढ़कर 19 हुई, बीआरएस के पास अब 19 सदस्य। ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी सीट से जीते लेकिन उनकी लेबर पार्टी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, सुनक ने हार स्वीकार की। ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, लेबर पार्टी ने यह आम चुनाव जीत लिया है, मैंने कीर स्टार्मर को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए फोन किया। असम में बाढ़ का कहर, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 29 जिलों में 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 57,018 हेक्टेयर भूमि जलमग्न, पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत। पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को अस्पताल से मिली छुट्टी, बुधवार को उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हेमंत सोरेन बने झारखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ, 28 जून को जमानत पर जेल से रिहा हुए थे सोरेन। टीम इंडिया के स्वागत में मुंबई की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, वानखेड़े में किया गया खिलाड़ियों का सम्मान, बीसीसीआई ने दिए 125 करोड़ रुपए। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन, ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।